लेडी, असल में दिक्कत ये है, वो जिस एरिया पर राज करने की सोच रहा है ना, वहाँ राज है हमारा। वो एडमिट कार्ड पूरी बात ही नहीं सुनता, कॉल ही काट देता है। एक तो ये हादी और इसका रिक्शे वाला ना, दोनों ही लेट लतीफ हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं तो बस घर के भले के लिए। भला ऐसे होता है भला? प्यार चाहिए, मेरा साथ चाहिए, अपने हाथों में बस तेरा हाथ चाहिए। बेटा जिस दिन तू ये पैसे हलाल करके लाएगा ना, उस दिन तेरी माँ ये पैसे भी लेगी और पूरे घर में दावत करेगी। यही डिपार्ट लग रहा है मुझे, यहीं कहीं होगा जैन भी। गुस्सा करेगा ये तुम। हाय जैन। आ गई तुम लेट लतीफ। अच्छा ना, हमारे बैच को तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, हम एडमिट कार्ड लेने चले। टाइम देखा है तुमने? टाइम 10:25 हो रहे हैं। मैडम सब जा चुके हैं और सर भी निकल चुके हैं गाड़ी में, अब क्या करोगी तुम? सर ने तो बोला था 9 बजे तक आ जाना, मैं लेट हो गई। अब तो तुम्हारा अल्लाह ही मालिक है भाई। मैंने अंदर आने से मना किया। छोटे अभी हम इतने मामूली भी नहीं हुए, कहीं पहुंचना चाहें और कोई रोक ले। असलम, भाई बाद में बात करता हूँ। हाँ जेडी, कैसे आना हुआ? क्या भाई, अब ये बच्चे भी मुझे रोकेंगे? जरा बच्चों को आप समझा दो, जेडी क्या भला है। जेडी हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, खैर काम बताओ। भाई आपका काम हो गया, रात तक पेटियां आपके घर पहुंच जाएंगे। जेडी मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कला के अपना हिस्सा ले जाना। ठीक है भाई। जेडी मैंने पहले भी कहा है तुम्हें, जब यहाँ आया करो तो होलिया बदल के आया करो। ठीक है भाई। चलो बताइए कहाँ हो? यहाँ हूँ भाई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारे बच्चे के कारनामे सुनकर क्या फखर महसूस करूँ मैं? अल्लाह खैर करे ताहिर, ऐसा क्या हो गया, आप क्यों मुझे डरा रहे हैं? डरना भी चाहिए? आज दो चार लोग मुझसे बातें कर रहे होते हैं, कल को पूरा महल्ला तुम्हारे बेटे के कारनामों की बातें करेगा मुझसे। ताहिर अल्लाह ना करे, ऐसा क्या हुआ, क्या किया मेरे बच्चे ने? जब भी महल्ले में जाता हूँ दो चार लोग तुम्हारे बेटे के बारे में पूछते रहते। आज भी नमाज के बाद मैं निकला तो कमाल साहब महल्ले, कमाल साहब ने मुझे रोक लिया। आप मुझसे कह रहे हैं कि सही काम पे तुम्हारा बेटा लगा कि नहीं, अब बताओ सही काम से क्या मुराद है? ऐसा क्या काम करता तुम्हारा लाडला, पूरे महल्ले को पता, हमें नहीं पता। ताहिर आपको और कमाल साहब को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है हमारा हिदायत। तुम्हारे हिदायत को तो अल्लाह ही हिदायत दे।
लास्ट में उस लड़की को देखा था तुमने, कैसे ताड़ी थी, लगता पसंद आ गई उसे मैं। तुम ये शौकिया मारना कब बंद करोगे वैसे? यार तुम यहाँ पे एंजॉय करने आती हो, पढ़ने थोड़ी आती हो, इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? तुम एंजॉय करने आते हो नजर आ रहा है, मैं पढ़ने आती हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है भाई। मैं तो चिल हूँ ना, तुम्हें फालतू की टेंशन है, चलो यार हो जाएगा तुम्हारा भी कुछ। मेरा क्या होगा, कल मेरे तो एडमिट कार्ड ही नहीं मिला है। अरे भाई तुम्हारा रोना धोना खत्म हो गया हो ना, तो फिर ये पकड़ो अपना एडमिट कार्ड, मैंने निकलवा लिया था। तो तुम मुझे इतनी देर से तंग कर रहे थे, बड़े बदतमीज। मैं तो एंजॉय करने आता हूँ ना। अच्छी वैसे आप ही सुबह भाई जो है ना आपकी शादी की बात कर रहे थे, अगर आपको यूनिवर्सिटी में कोई पसंद है तो अभी बता दे, वरना बाद में आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्सिटी में तो ये चीज नॉर्मल है। चुप करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना पढ़ने जाती हूँ ये सब करने नहीं, और तुम्हें पता है खुर्राम अभी मुझे पढ़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है। यार भाई कैसे ये सब सोच सकते हैं, रात को ना मैं उनको साफ सुना के मना कर दूंगी कि मुझे कोई अभी शादी वादी नहीं करनी। मैं तो आपके नॉलेज में डाल रहा था, कहीं बाद में आपका दिल ना टूट जाए। कौन सा दिल, कैसा दिल, अभी मैं पढ़ने जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू में सब ये बोलते हैं। सुधर जाओ, तुम डरा दिया तुमने मुझे। चले आए नीचे चलते हैं। चलो हाँ मगरिब हो रही है। भाई ले भी आओ, हुक से मार देना तुम। ला रही हूँ। क्या ला रही हूँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बैठो बैठो मियाँ, बैठो बैठ जाएं, लग गई भूख, कहाँ रह गई, ले आओ गरम रोटियां, पता नहीं कब तक मैं खाती है, बैठ के मुफ्ती खाता रहेगा। कमाल साहब के बेटे को देखा है, समंदर खान रक्षा चलाता, रक्षा पूरे घर का खर्चा संभाला हुआ उसने, पिछले महीने उसने मोटरसाइकिल लेके दी अपने बाप को, तुम पता नहीं कब अपने पांव पे खड़े हो गए, कब हक हलाल के लेके आओगे, इस घर में बरकत होगी। आ गई ये भी, आ गई, समझाओ अपने बेटे को। खाना तो खाने दे उसे। तुम नहीं बिगाड़ा है, खाना तो खाने दे, खाना तो खाने दे, अगर तुम्हें बचपन से सही तबीयत दी होती तो आज इस हालत में नहीं होता ये, सारी जिंदगी किया किया इसने, खाने तो खाया है, आज अगर उसको अकल के नाखून नहीं दिए तो कल अपने दोस्तों को कामयाब होता हुआ देख के ये कोसेगा अपने आप को। बच्चा है समझ जाएगा, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना सब अकल आ जाती है। बच्चा कह के तुमने उसको बिगाड़ दिया है, इसकी उम्र देखो, बच्चा नहीं है बड़ा हो गया है, शादी की उम्र है इसकी, कौन देगा इसको लड़की अपनी, कुछ आए मेहनत मजदूर करे, हक हलाल की कमा के लाए, कल तक किसी हम शादी करें, खुशियां देखें। ओहो, बुरा लग गया नवाब साहब को, देख रही हो रोना शुरू कर दिया, आंखों में आंसू आ रहे हैं। काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ आदि भाई, कोई बात है तो बताएं हमें। नहीं यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम लोग गलत फहमी हो रही है बस। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, साफ चेहरे से दिख रहा है कि कोई उदासी है और उसके साथ कोई परेशानी भी है। कुछ नहीं यार, बस सोच रहा हूँ कि कोई काम कर लूँ। काम? काम तो हम करते ही हैं और उसमें अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। दोपहर ये काम नहीं, कुछ ऐसा काम जिससे अम्मी अब्बू खुश हो जाएं। अजी भाई अम्मी अब्बू को बताएं ना कि जो हम काम करते हैं ये भी एक काम है। नहीं अफू, हमारे वालदेन की नज़र में ना ये काम काम नहीं है, उनकी नज़र में ये हराम काम है। हराम? मुझे तो उस पर कहीं हराम नजर नहीं आ रहा भाई। बात तो नहीं, तेरा ये क्या है? ये पिज्जा है। सही है, जा।
मुझे तो नहीं नजर आ रहा इस पे कहीं हराम का है। और वैसे भी आजकल ना पैसे की वैल्यू है, हराम हलाल कुछ नहीं होता। और भाई हमने वादा करा था कि मरते दम तक के हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी ये हमारी नज़र में हलाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने वादा किया है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये काम छोड़ दूंगा। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम भी साथ साथ कर लूँ जिससे मेरे वालदेन की नज़र में ना मेरा रुतबा बढ़ जाए। वैसे भी ये काम हम रात में ही करते हैं, आप सुबह से शाम तक कोई दूसरा काम कर लो, बल्कि मेरी नज़र में आपके लिए काम भी है। वो आपके इलाके में समंदर खान रहता है ना, वो कमाल साहब का बेटा समंदर खान जी, आपके अब्बू उसके अब्बू के दोस्त भी हैं, तो आप सुबह से शाम तक उसके साथ काम कर लो। वो तो रिक्शा चलाता है। ओ हादी भाई, आप भी रिक्शा चला लो सुबह से शाम तक, आपकी वालदैन की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, और फिर रात में हम अपना काम करेंगे। और वैसे भी पैसा जो आ रहा है वो तो हमें पता है ना कौन सा आ रहा है। तुम लोगों ने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, मैं इतना परेशान हुआ था। और वैसे ही मेरे अब्बा ना समंदर खान की तारीफ भी बहुत करते हैं, उसके साथ काम करूँगा तो फिर अब्बा हो सकता है मेरी भी तारीफ करें, और ऐसे उनके दिल में मेरे लिए जगह भी बन जाएगी। चलाते हैं कल से रिक्शा। ये रिक्शा चलता कैसे ये तो बता दो। अरे हादी भाई, दूसरी बाइक है, रिक्शे पे बैठे हैं, क्लच दबाना है, नीचे गियर है, क्लच छोड़े और रेस दें, जाने दें। भाई वो जेंगो अभी तक नहीं आया, वो मेरे मुखबर ने बताया था कि आज नफरी बहुत है। ये चाहती हूँ तुम अपने बाबा को खुश कर दो। कैसे करूँ खुश? हक हलाल की नौकरी से। नौकरियाँ मिलती हैं इतनी आसानी से आजकल? बोलिया बनाया भाई यार, इसको जरा ठीक करो, यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं। भाई बताएं तो आखिर। डकैती मार रहा था, पुलिस ने देख लिया, पीछा कर रहे हैं मेरा। वो साथ चाहिए अपने हाथों में बस तेरा।